हरिदत्त गौतम जी को या हमारी पार्टी के जिला महासचिव और जिला श्री अशोक यादव जी श्री राशिद अली या मेरे नंबर पर या श्री मेहताब सिंह यादव जी के नंबर पर सूचित करें और हम निर्वाचन आयोग में इसका। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर हमारी देख रहे हैं, आज हम आपको लेकर आए समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में। जिस तरह से सपा बसपा का गठबंधन हुआ है, आज संयुक्त मासिक बैठक है। आइए इनके अध्यक्ष से जानते हैं कि आज की बैठक का उद्देश्य क्या है और किस तरह से सपा बसपा का जो गठबंधन है वो सफल होगा। बताइए, आज जैसे बैठक है सपा बसपा जिला में आज पहली बैठक, तो क्या कहेंगे? देखिए, हमारा इस बैठक का बुलाने का मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। जो किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर निरंतर लाठीचार्ज कर रही, किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रही, ये संयुक्त बैठक है जिसमें हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन जो हुआ है उसमें बड़े पैमाने पे नाम काटा गया है शासन के सारे, इसके लिए हम लोग रणनीति बनाने के लिए दोनों दलों की बैठक बुलाई है। जैसे कि आपने देखा तो ये थी जिला अध्यक्ष, आइए और भी लोगों से बात करते हैं। संयुक्त बैठक है तो हम बसपा के भी लोगों से बात करेंगे, इससे पहले सपा विधायक से बात करेंगे कि किस तरह की राय है आज की मासिक बैठक। देखिए, ये आज हमारी जिले की पहली संयुक्त बैठक है जिसमें हमारे समाजवादी पार्टी के सभी पूरे जिले से लगभग चारों विधानसभाओं से लोग पदाधिकारी आए हुए हैं, जिसमें विधानसभा स्तर के सभी बूथ स्तर सेक्टर स्तर तक के हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन है। सम्मेलन क्या मासिक बैठक थी, इसको सम्मेलन के रूप में आज इतना उत्साह है इस गठबंधन से कि इस गठबंधन के आज इस मीटिंग में हमारे चारों विधानसभा के लोग आए हुए हैं और बड़ा उत्साह लोगों के अंदर है। वो आने वाले 2019 के चुनाव में भाजपा को बिल्कुल मोहनलालगंज से तो जीतते है कि यहाँ से भाजपा की जमानत जब्त होनी है और लगभग यूपी भर में हम सभी 80 सीटों पर जीतने जा रहे हैं। तो जैसे कि और भी लोग हैं पार्टी के, उनसे भी जानेंगे कि क्या राय है इस गठबंधन। मासिक की बैठक में जो हमारी राय है कि हम लोग योजना बना रहे हैं कि जो भी सपा बसपा का गठबंधन का उम्मीदवार होगा उसको इतनी वोटों से हराया जाए, वो जिताया जाए कि भाजपा की जमानत जब्त हो जाए, यहाँ का जो सांसद है उसको उसका सबक सिखाया जाए। तो जैसे कि संयुक्त बैठक देख रहे हैं तो सीएल वर्मा जी से बात करते हैं जो कि बसपा से आए हुए और देखते हैं कि किस तरह का उत्साह आज पहली मासिक बैठक है। हमारे साथ में बैठक नहीं, ये बैठक समाजवादी पार्टी की है, वार्षिक बैठक है, मासिक बैठक है, इसमें हमें आमंत्रित किया गया, मैं इस बैठक में आया हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा प्रभारी बनाया गया हूँ, प्रभारी कैसे से हमको यहाँ बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया, मैं आया हूँ। बिल्कुल सफल होगा गठबंधन हमारा, बिल्कुल गठबंधन हमारा। आपने देखा था ये सब सपा बसपा के लोग जिनका मासिक संयुक्त मासिक बैठक है, तो देखते हैं इसका 19 के चुनाव में क्या असर होगा। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे जाना चाहूंगा, नमस्कार। साथियों, क्योंकि आज ये पहली बैठक है, आज ये आधिकारिक जिला संगठन का ऐलान हो चुका है, हम विश्वास दिलाते हैं हमारा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की तरफ से, चाहे वह सरोही नगर विधानसभा हो, चाहे मलिहाबाद विधानसभा हो, चाहे बीकेटी विधानसभा हो और चाहे मोहनलालगंज विधानसभा हो, हम लाखों मतों से हम अपने गठबंधन के प्रभारी और प्रत्याशी महोदय को यहां से जिता कर भेजेंगे, ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं। साथियों, समय कम मिला है, संचालक महोदय पीछे पकड़े खड़े हुए हैं हमें, मिलके चलो, संघर्ष करो।